गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सबका भौतिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग मैग्नेट वाला पार्ट जो पढ़ रहे थे उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे न्यूमेरिकल का सिलेक्शन आज मैंने किया है जो बोर्ड परीक्षा में आए हैं, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि आपको सारे वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। बहुत ही जल्द कंपटीशन में आने वाले विज्ञान के प्रश्नों का भी मैं कलेक्शन करके और उसे भी पढ़ाऊंगा। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव देते रहें, जिससे मैं आप और ही अच्छा प्रयास करूँ। आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज जो न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं केवल उन्हीं के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। एनसीईआरटी के अतिरिक्त अन्य बुक से जो किताबों से जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उनके बारे में आज चर्चा होगी। तो आइए, सबसे पहला है न्यूमेरिकल है, इसको लगाता हूं, बताता हूं आप लोगों को। न्यूमेरिकल में बोलूंगा, न्यूमेरिकल में यहाँ पे लिखूंगा नहीं, न्यूमेरिकल आप लोगों को लिखना है तो न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए। न्यूमेरिकल में बोलने जा रहा हूं, कॉपी और पेन लेकर के आप न्यूमेरिकल को नोट करें। लिखा है 100 फेरों तथा 0.05 मीटर प्रभावी त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार कुंडली में 0.1 एम्पियर धारा है। इसे 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत किसी अक्ष के परितः 180 अंश घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। कुंडली का तल प्रारंभ में क्षेत्र के लंबवत है। कुंडली का तल प्रारंभ में क्षेत्र के लंबवत है। तो अब कुंडली का जो जो दिया है उसको मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, 100 फेरों वाली, n बराबर 100, त्रिज्या r बराबर 0.05 मीटर, ये त्रिज्या दी हुई है कुंडली की, कुंडली में 0.1 एम्पियर की धारा, I बराबर 0.1 एम्पियर की धारा है, चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B बराबर 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, थीटा बराबर 180 अंश घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए इधर, चुंबकीय इसको हल किया जाए, चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को 180 अंश घुमाने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर एम बी 1 माइनस cos थीटा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही कुंडली को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र होता है W बराबर MB cos थीटा, W बराबर MB इंटू 1 माइनस cos थीटा। अब यहाँ पे देखिए, आपको M का मान नहीं पता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, M का मान नहीं पता है, B का मान पता है, तो इसको क्या मान लेंगे, समीकरण एक मान लेंगे। अब देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव
ये हमने आपको पढ़ाया है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर होता है MIA। A क्या है? कुंडली के अंतप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कुंडली का क्या है क्षेत्रफल, सीधा सीधा आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमको मिल जाएगा M बराबर एन आई ए। A के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, कुंडली हमारी वृत्ताकार है, कैसी है वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा टू एन आई ए, ए के स्थान पे क्या हो जाएगा पाई आर, त्रिज्या किसे लिखे आर से, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम बराबर एम का मान 100, आई का मान कितना है 0.01, पाई का मान 3.14 और आर स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 0.05 का स्क्वायर, यानी आपको m की वैल्यू मिल जाएगी 100, 100 से इसको गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10, ये एक खत्म हो जाएगा और ये 3.14 और ये आपका गुणा होकर के क्या हो जाएगा 0.0025, क्योंकि ये 0.505 है, फिर 0.05 तो 50 हो जाएगा और फिर 0 फिर 0, यानी 4 के बाद दशमलव आ जाएगा। अब ये देखिए ये आप इसको गुणा करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा एम बराबर 3.14 गुणे आपको मिल जाएगा 0.025, इसको 10 से गुणा कर दीजिए। अब इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, फिर क्या करेंगे आता है, अतः समीकरण एक से, तो समीकरण एक से आप क्या करेंगे, समीकरण एक आपका क्या है डब्ल्यू बराबर एम वी वन माइनस कास 180, पहले थीटा का मान यहाँ पे रख दिए तो वन माइनस क्या हो जाएगा कास 180, और कास 180 का मान कितना होता है, तो कास 180 का मान यहाँ पे लिख दिया जाएगा, इसको यहाँ रख किए देते हैं, इधर सॉल्व कर दे तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा W बराबर आपका हो जाएगा एम वी कास 180 का मान माइनस वन, तो माइनस कास 180 का मान माइनस एक, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा धन वन, यानी आपको W बराबर मिल जाएगा 2 MV, तो W बराबर 2, M का मान कितना था, M का मान आपको मिला है 3.14 गुणे 0.025 और B का मान कितना था, B का मान चुंबकीय क्षेत्र था 1.5, तो कितना मिल जाएगा 1.5, ये मात्रक का क्या होता है जूल, इन सबको क्या करेंगे गुणा कर देंगे, सभी को गुणा कर दिया जाए फिर हमको क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। तो आप गुणा करके देखते हैं, देखिए इधर W बराबर ये आपका हो जाएगा 2 4 8, 2 1 2 2 3 6 6.28, 0.025 गुणे 1.5, अब गुणा कर लिया जाए सबको, तो सबसे पहले क्या करेंगे 6.28 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.025 से, तो ये 5 8 5 13 के 3 हो जाएगा, सॉरी गुणा करना है ना, 5 8 40 के 0, 5 9 10 और 2 10 और 4 14, 5 6 30 और 1 31 हो जाएगी, फिर देखो 2 8 16 के 6, मतलब ये गुणा करके 2 8 16 के 6, फिर 2 9 4 1 5 2 6 12 और ये आपका 0 6 4 10 के 0 5 6 3 2 5 और 1, अब इसको किससे गुणा करेंगे 1.5 से, तो 1.5 से गुणा करेंगे तो पहले तो 0 ही 0 आएगा, फिर क्या करेंगे 5 0 0 5 0 0, 5 6 30 के 0, 5 25 और 3 28 के 8, 5 1 5 और 2 7, फिर देखिए 0 0 फिर 6 5 1, तो ये आपको गुणा करने के बाद में कितना मिल जाएगा, तो ये W बराबर आपको मिल जाएगा 0.23 2355 जूल, ये आपको क्या मिल जाएगा कार्य मिल जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर मिल जाएगा, गुणा करके फिर जोड़ देंगे तो ये। अब
हम फिर नेक्स्ट दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल की बात करेंगे, तो इसको हम रफ करेंगे और फिर अगले न्यूमेरिकल की बात करेंगे। अगला जो न्यूमेरिकल है ये 2006, 10 और 12 में पूछा गया है, एक धारा लूप। सवाल को सुनिएगा ध्यान से, पहले सवाल में लिखने वाला नहीं हूँ, केवल बोलूँगा, सवाल आपको नोट करना है। एक धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण 8×10^-25 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। लूप की अक्ष पर लूप के केंद्र से 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो ये क्या क्या दिया है आपको, सबसे पहले आपका दिया है M बराबर, एक धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण N बराबर दिया है 8×10^-25 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये M का मान दिया है, और लूप के केंद्र से R बराबर 2 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल देंगे, 2×10^-10 मीटर की दूरी पर आपको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। μ0 बराबर होता है 4π×10^-60 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे, दंड चुंबक यानी चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थित में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ाया था आपको, यानी अक्षीय स्थित में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो अक्षीय स्थित में तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो B बराबर लेते हैं पर अक्षीय स्थित में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो अक्षीय स्थित में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है B बराबर μ0/4π2m/r³, ये सूत्र होता था। तो यहाँ पे क्या है, B बराबर μ0 का मान क्या दिया हुआ है, ये μ0 का मान दिया है 4π×10^-7 मात्रक संज्ञा लिखे, अभी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एक साथ लिख दिया जाएगा, नीचे क्या रहेगा 4π×2, यंग का मान कितना दिया है, ये यंग का मान दिया है 8×10^-25 और नीचे r³ यानी 2×10^-10³, 10^-3 हो जाएगा। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू क्या हो जाएगा मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा मात्रक। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके सॉल्व करने का तरीका देखिए, 4π कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, बी बराबर 10^-16×10^-25, नीचे देखिए क्या हो जाएगा, 2×4×8, क्योंकि ये क्या है क्यूब, तो 8×10^-10, 10^-10³, तो 10^-30 मात्रक इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, B बराबर 8×16, तो 2×, देखिए 25 और 7, 32 -32 और 10^-30 ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 10^-32×10^+32 30, तो आपको B बराबर क्या मिल जाएगा,
2×10^-2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये आपको क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा 2×10^-2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये आपका आंसर मिल जाएगा। ये आपको क्या मिल जाएगा आंसर, इसको भी आप नोट कर लेंगे। अब हम एक दो सवाल वीडियो में ही बोले देते हैं, इसको आप अपने आप से लगाएंगे, यानी ये आपको खुद सॉल्व करना है। यूपी बोर्ड परीक्षा में ये भी आ चुका है, तो सवाल नोट करिए, लिखिए सवाल। 2.5×10^-8 एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण की एक कुंडली को जब एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि उसका तल क्षेत्र के समांतर है, तो कुंडली पर लगने वाला वाले बल का आघूर्ण 7.5×10^-9 न्यूटन मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली का क्षेत्रफल 1.5 cm² तथा उसमें फेरों की संख्या 12 हो, तो उसमें बहने वाली धारा का मान क्या होगा, उसमें बहने वाली धारा का मान क्या होगा, ये आपको लगाना है, सॉल्व करना है खुद से। इसमें B का मान चुंबकीय क्षेत्र आएगा 0.30 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और धारा आएगी 1.4×10^-5 एम्पियर। ये इसका आंसर है। एक सवाल हम और जिक्र कर लेते हैं, ये भी आया है एनसीईआरटी का है। एक छोटा क्षण चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, एक छोटा क्षण चुंबक है जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया है, B बराबर दिया है 0.25 टेस्ला। एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टेस्ला के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, थीटा बराबर कितना दिया है, 30 अंश का कोण बनाता है, पर 4.5×10^-2 जूल का बल आघूर्ण लगता है। इस पर लगने वाला बल आघूर्ण है 4.5×10^-2 जूल बल आघूर्ण लगता है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या है, चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या है, तो आप देखिए इधर बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर होता है एमवी साइन थीटा, ये आप पढ़ चुके हैं टाउ बराबर एमवी साइन थीटा। यहां पे क्या ज्ञात करना है, एम की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो आपको क्या सवाल क्या लिखेंगे, एम बराबर क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन बी साइन थीटा, टाउ बराबर आपको क्या मिल जाएगा, बी साइन थीटा मिल जाएगा। तो यहां पे टाउ का मान कितना दिया है, टाउ का मान दिया हुआ है, टाउ का मान दिया हुआ है 4.5×10^-2 जूल, और नीचे क्या दिया हुआ है, बी का मान 0.25 sin 30, तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, 4.5
दस के पावर माइनस दो नीचे क्या हो जाएगा 0.25 और 1/2 क्या हो जाएगा 1/2। तो इसको हम क्या करेंगे, सबको साल कर लेंगे। तो एम बराबर ये साल करना है आपको, साल करेंगे आप हल करिएगा तो 0.36 और ये आपको मिल जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आंसर मिलेगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे अब एक न्यूमेरिकल और लास्ट है इसके हम डिस्कस करेंगे इसके बाद में। तो क्या है, एक परिनलिका जिसमें पास पास 2000 फेरे लपेटे गए हैं, परिनलिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.6×10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है तथा इसमें 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसको केंद्र से इस प्रकार लटकाया गया है कि यह क्षैतिज तल में घूम सके। तो एक नंबर ज्ञात करना है परिनलिका से संबद्ध चुंबकीय आघूर्ण कितना है, और बी नंबर परिनलिका पर कार्य करने वाला बल तथा बल आघूर्ण कितने हैं। यदि इसकी अक्ष से 30 अंश का कोण बनाता हुआ एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र 7.5×10⁻²⁺ टेस्ला आरोपित किया जाए तो, ये सवाल पहले आप नोट कर देंगे और लगाएंगे आप खुद से, मैं केवल लिखूंगा। तो क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, फेरों की संख्या n बराबर 2000 फेरे हैं, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 1.6×10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, I बराबर धारा 4 एम्पियर की है, 4 एम्पियर की धारा है। अब पहला नंबर आपको क्या निकालना है, पहला नंबर आपको निकालना है चुंबकीय आघूर्ण। तो M बराबर क्या होता है NIA, स्वयं हल करें, स्वयं हल करें, आप करेंगे इसको। हम आंसर लिखे देते हैं, आंसर इसका आएगा 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसका उत्तर आएगा, ये क्या है आंसर है। दूसरा नंबर पार्ट बी क्या है, तो पार्ट बी भी देख लीजिए, पार्ट बी में जब दिया है बी बराबर क्या कह रहा है, पार्ट बी में दे रखा है 7.5×10⁻²⁺ टेस्ला और थीटा बराबर क्या दिया है 30 अंश। तो आपको क्या ज्ञात करना है, टाउ बराबर एमवी साइन थीटा का सूत्र आप निकाल देंगे और क्या निकालेंगे आप इससे बल आघूर्ण। तो इसको भी आप हल करेंगे, हल करने के बाद टाउ की वैल्यू मिलेगी 4.8×10⁻²⁺ न्यूटन मीटर। ये सारे सवाल बोर्ड में आए थे, इनको मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, वीडियो को देख करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद, शुभ दिन।